अब आपकी तकदीर खोलेगा YouTube। हिस्ट्री जानिए दुनिया के सबसे सफल यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की। 42 करोड़ से ज्यादा की है उनकी फॉलोइंग और 6000 करोड़ से ज्यादा की है उनकी सालाना कमाई। आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। आज हम आपके सामने ब्रिट्स इंडिया की खास रिपोर्ट में दुनिया के सबसे रईस यूट्यूबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको जानकर हैरानी ही नहीं बल्कि आपका माथा भी भन्ना जाएगा जब आप जानेंगे कि मिस्टर बीस्ट को 2023 में 9 करोड़ 90 लाख नए यूट्यूबर सब्सक्राइबर मिले हैं। मिस्टर बीस्ट के टिकटॉक पर 10 करोड़ और इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कुल फॉलोइंग 42 करोड़ 50 लाख है। इतना ही नहीं, मिस्टर बीस्ट एक साल में 30 अरब बार विश्व में कहीं न कहीं स्क्रीन पर जरूर दिखते हैं। जनाब, ये हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के दुनिया के महानायक की एक अनसुनी कहानी। मिस्टर बीस्ट कैसे बने दुनिया के सबसे बड़े सफल यूट्यूबर? कैसे काम करते हैं मिस्टर बीस्ट? मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर 25 साल के जिमी डोनाल्डसन ज्यादातर असंभव लगने वाले और खतरनाक स्टंट करते हैं। वे हैरत अंगेज वीडियो बनाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक नहीं कई एक डरावने वीडियोस भी बनाए हैं। इनमें ग्लास के एक केबिन में 1000 मकड़ियों के साथ उन्होंने अपना समय बिताया था। इस काम के लिए उन्हें 4 करोड़ से अधिक रुपए मिले। सांपों के साथ भी उनके वीडियोस देखे जा सकते हैं। अभी हाल ही में आया है उनका एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें मिस्टर बीस्ट उर्फ डोनाल्डसन और उनके साथियों को छुट्टियां बिताने के दौरान $1 और $2.5 लाख रोजाना खर्च करते दिखाया गया था। इस वीडियो को 24 घंटे में 5 करोड़ 20 लाख व्यूज मिले थे। जिमी डोनाल्डसन का सबसे पॉपुलर वीडियो कोरियाई टीवी शो स्क्विड गेम का वर्जन 50 करोड़ बार देखा गया। जिमी डोनाल्डसन को ऑनलाइन और यूट्यूबर की दुनिया में मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है। मिस्टर बीस्ट का जन्म 7 मई 1998 को अमेरिका की कैंसस राज्य के विचिटा नामक स्थान पर हुआ था। डोनाल्डसन ने 13 साल की आयु में 2012 में यूट्यूब पर अपना काम शुरू किया था। उनकी यूट्यूब की शुरुआती सामग्रियों में लेट्स प्ले और दूसरे यूट्यूबर्स की आमदनी और संपत्ति का पता लगाने वाले वीडियो शामिल थे। डोनाल्डसन के ज्यादातर वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें उन्होंने खतरों से खेला हुआ है और लगता है कि वो मौत की दहलीज पर खड़े हैं। इस तरह के वीडियोस बनाना भी डोनाल्डसन का एक शौक रहा है। इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण आपको बताता हूँ। डोनाल्डसन 7 दिनों तक जमीन के अंदर जीवित दफन रहे। डोनाल्डसन को 2017 में वायरल प्रसिद्धि उनके उस वीडियो ने दिलाई जिसमें उन्होंने 1 लाख तक की गिनती करने वाला वीडियो यूट्यूब पर डाला था। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। डोनाल्डसन की प्लानिंग, उनकी सोच, उनकी मानवीय और परोपकारी मानसिकता की तारीफ सारी दुनिया के लोग, टॉम ब्रेडी और जस्टिन टिम्बरलेक जैसे ग्लोबल स्टार भी अपनी इच्छा से उनके वीडियोस पर आते हैं। डोनाल्डसन स्टीव जॉब्स को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। 6 फीट और 4 इंच के डोनाल्डसन को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि भीड़ को आकर्षित करने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम पर किस तरह से काम किया जाता। जबकि दूसरी ओर सोशल मीडिया के अधिकतर इन्फ्लुएंसर एक स्तर पर पहुंचकर चूक कर जाते हैं, उनके पास नए आइडिया भी नहीं रहते हैं। जबकि डोनाल्डसन का मानना है कि कंटेंट कभी खत्म नहीं होता है। डोनाल्डसन साल भर में लगभग 5000 करोड़ से 6000 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। डोनाल्डसन अब यूट्यूबर के अलावा एक बड़े बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। उन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स जैसे दुनिया के मशहूर ब्रांड्स की कंपनियां भी बनाई हैं।
इनका व्यापार कई देशों में हो रहा है। इन कंपनियों से डोनाल्डसन को करंट ईयर में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी का अनुमान बताया जा रहा है। परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें 4 बार स्टीमी अवार्ड से सम्मानित करके क्रिएटर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने डोनाल्डसन को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। डोनाल्डसन ने समूची दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लाखों अमेरिकी डॉलर जुटाए और इसका एक कीर्तिमान भी स्थापित किया। नमन है, वंदन है और अभिनंदन है सोशल मीडिया के इस महानायक और प्रेरणा स्रोत डोनाल्डसन का। हम सभी को इनकी पॉजिटिव प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।